तो जब से मैंने इंस्टाग्राम पे ये पिक्चर को क्लिक करके आपसे शेयर किया था, तब से आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे निसान किक्स के बारे में। सो आज के इस वीडियो में निसान किक्स के 5 हाइलाइट्स के साथ साथ आपके उन सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट इन टू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोस टीवी। सो इस कार को मैंने इन एंड आउट से फर्स्ट टाइम तभी चेक कर लिया था जब मैंने दिसंबर एंड में इस कार को फर्स्ट टाइम देखा था। और उसी वक्त जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कार को देखा था, तभी मैंने आपसे इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए, मैं किक्स के वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं टॉप 5 हाइलाइट से, और आपके सारे क्वेश्चंस इन्हीं हाइलाइट्स के अंदर शामिल होने वाले हैं। सो हाइलाइट नंबर 1 है निसान किक्स का एक्सटीरियर और डिजाइन। सो फ्रंट में यहाँ पे निसान की सिग्नेचर वी मोशन ग्रिल दी गई है, जिसको कंप्लीट करती है ये फर्स्ट इन क्लास ड्यूअल चैम्बर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। और इन्हीं हेडलाइट्स के नीचे ये टर्निंग के वक्त बहुत ही हेल्पफुल होने वाले कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स दिए गए हैं। वैसे इस कार की एक्सटीरियर डिजाइन का जो पार्ट मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर पाया वो है किक्स की साइड प्रोफाइल। यहाँ पे 17 इंचेस के स्पाई स्पोक एलॉय व्हील्स, ये ड्यूअल कलर की क्लैडिंग्स और ये शार्प एडजी लाइनिंग्स इस कार के एमओ प्लेटफॉर्म के डाइमेंशंस के साथ पूरी तरह से मैचो अपीयरेंस प्रोवाइड कर देती है। डाइमेंशंस की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि ये कार कैप्चर की ही एमओ प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होने के बावजूद कैप्चर से भी 55 mm लॉन्गर और 32 mm टॉलर भी बनाई गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि किक्स क्रेटा से ऑलमोस्ट सारी तरह से बड़ी बनाई गई है। यही नहीं, ये ब्लैक्ड आउट पिलर, स्टाइलिश रूफ रेल्स और ऑरेंज कलर का ये फ्लोटिंग रूफ इस कार की यूनिकनेस को भी मेंटेन करता है। रियर में भी ये बूमरिंग टेल लैंप्स और ये ब्लैक और बॉडी कलर का कॉम्बिनेशन एक अट्रैक्टिव डिजाइन का ही पार्ट कह सकते हैं। और यही सारे एलिमेंट्स एक साथ मिलकर किक्स को एक कंप्लीट एसयूवी स्टैंड प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर पार्ट में आपको मटेरियल क्वालिटी ये फील जरूर देगा कि यस, आप किसी प्रीमियम एसयूवी में बैठे हैं, चाहे वो डैशबोर्ड हो, सेंट्रल कंसोल हो या फिर सीटिंग हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, डायमेंशंस का पूरा बेनिफिट आपको इंटीरियर स्पेस में भी देखने को जरूर मिलेगा। मेरे इस कार के ऊपर आने वाले इनडेप्थ रिव्यू में मैं आपको सारी चीजें एज यूजुअल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन प्रेस करना होगा। लेकिन अभी के लिए अगर कहूं तो एक रिच प्रीमियम और बहुत ही नीट इंटीरियर आपको किक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो ये तो थी निसान किक्स की डिजाइन, लुक्स और स्टाइल के बारे में बात है। और अब आते हैं इस कार का जो सबसे बड़ा यूएसपी है वो यानी कि फीचर्स के ऊपर। और फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर कहा जा सकता है इस इंटेलिजेंट एसयूवी का। और जैसे आप सब जानते हैं, फीचर्स में सबसे बड़ा फीचर जिससे किक्स लोडेड है वो है 360 डिग्री कैमरा, जो आपको कार की सारी ओर की डिस्प्ले देता है, जिसकी हेल्प से आप कंजेस्टेड पार्किंग में और रिवर्सिंग जैसी ड्यूटीज बड़ी आसानी से कंप्लीट करने में मोस्ट कन्वीनियंट वे से सक्सेसफुल हो गए। इसके अलावा निसान कनेक्ट के साथ आपको स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी के साथ सर्विस बुकिंग्स एंड हिस्ट्री, टोवे अलर्ट्स और ड्राइव अलर्ट्स जैसे फीचर्स के साथ साथ फाइंड माई कार जैसे 50 से भी ज्यादा फंक्शंस इसी सिस्टम में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यही नहीं, 8 inch की फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी के साथ लोडेड है, और इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस मौजूद है। वहीं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में भी ऑटो एसी विद रियर एसी वेंट, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट और चिल्ड ग्लो बॉक्स जैसे फीचर्स भी इस कार में शामिल है। 400 लीटर्स की कॉन्फिगरेबल बूट स्पेस के साथ दूसरी यूटिलिटी स्पेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और अब बात करते हैं हाईलाइट नंबर 3 के बारे में, और वो है जो बहुत सारी कंपनीज को अपनी एग्जिस्टिंग मॉडल लाइनअप और नई आने वाली मॉडल्स में जो इंप्रूवमेंट्स करने के लिए मजबूर कर रही है, वो है सेफ्टी।
और यस अप्रैल 2019 के लो के मुताबिक सारी कार्स में कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए जो स्टैंडर्ड ही होने चाहिए अक्रॉस दी वेरिएंट्स। सो किक्स में क्या क्या सेफ्टी फीचर्स आपको मिल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस कार में यूज किया गया निसान का रिनोन्ड सेफ्टी शील्ड जो प्रूवन भी है और इस सेगमेंट में जैसा होना चाहिए वैसा भी है। इसके अलावा टॉप स्पेक मॉडल में ड्यूअल फ्रंट एंड साइड एयरबैग्स, ABS with ABD और VDC यानी कि व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मौजूद है। इसके अलावा एक और फीचर है एंटी इंट्रूजन बार, साइड इंपैक्ट्स में होने वाली इंजरीज से पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करता है। और फाइनली अब हम बात करते हैं इस कार के परफॉर्मेंस के रिलेटेड सारी चीजों के बारे में, और उसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर आता है इंजन स्पेसिफिकेशंस। और यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि डीजल में तो वही K9K 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो 110 PS पावर और 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पेट्रोल में H4K 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है जो 106 PS पावर और 142 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल में 5 स्पीड मैनुअल एंड डीजल में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिए गए। इसके अलावा डीजल में इको मोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो आपको एक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी गेन करने में हेल्प करेगा। निसान किक्स की फ्यूल एफिशिएंसी, अगर क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बारे में बात करें तो पेट्रोल में 14.23 किलोमीटर की है और डीजल में 20.45 किलोमीटर की एफिशिएंसी यहां पे क्लेम की गई है। और इस साइज की कार के लिए ये फ्यूल एफिशिएंसी के फिगर ठीक ठाक ही कहे जा सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वीडियो के हाईलाइट नंबर 5 यानी कि इस कार की प्राइसिंग के बारे में। सो सारे वेरिएंट्स की एक शोरूम प्राइसिंग अभी आपके सामने मौजूद है, आप नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अब मेरा भी एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, अगर आपको इस सेगमेंट की कार परचेज करनी है तो आपको किक्स के बारे में तो सारी चीजें मालूम हो गई कि किक्स के पास लुक्स एंड स्टाइल है, डिजाइन है, स्पेस है, परफॉर्मेंस है, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी है, सेफ्टी भी है और एक अच्छी प्राइस पॉइंट के साथ भी ये कार आती है। तो ऐसे में क्या आप क्रेटा, हैरियर, किक्स और कैप्चर में से कौन सी अपने लिए सिलेक्ट करने वाले हैं, इसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर। और इसके साथ मुझे एक तो ऐसे पॉइंट्स भी बताइएगा कि अपने लिए आपने कौन सी कार सिलेक्ट की है और वो क्यों सिलेक्ट की है, बताइएगा जरूर, मैं वेट करने वाला हूं। तो ये तो हो गई टॉप 5 हाइलाइट्स ऑफ निसान किक्स। आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे और इस कार के 5 हाईलाइट के बारे में आप सारी बातें समझ भी गए होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कार का जैसे मैंने आपको बताया कि रिव्यू बहुत ही जल्द आने वाला है जिसमें मैं आपको बहुत ही इनडेप्थ और डिटेल्ड वे से एक्सप्लेन करूंगा सारे प्लस और माइनस जैसे फैक्टर्स। सो इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि इनडेप्थ रिव्यू जो है वो आप या तो आपके फ्रेंड्स कोई भी मिस ना करें। और यस वन मोर थिंग कि एवरी संडे रात को 9 बजे मैं लाइव आके आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करता हूं और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपने इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दुबे आपके सामने वापस हाजिर होने वाला हूं। सो टिल देन चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।